हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे अमेरिकन लेजिस्लेटिव सिस्टम। क्लासेस में हमने इसके अपर हाउस सेनेट के रिगार्डिंग किया, इसकी कॉम्पोजिशन के, एंड आज हम करेंगे पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ सेनेट, जो इसका अपर हाउस है, इनके पास कौन कौन सी पावर्स हैं, फंक्शंस है। अमेरिका में लेजिस्लेचर में क्या है, जो पावर्स हैं लोअर हाउस एंड अपर हाउस, इन दोनों को इक्वली दी गई है। एंड इसके अलावा बहुत सारे पावर्स हैं जो सेनेट को दी गई हैं, लेकिन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को नहीं दी गई हैं। इसीलिए जो सेनेट है, ये पूरे वर्ल्ड में सबसे पावरफुल हाउस है। तो अमेरिका में कौन कौन से पावर्स हैं जो सेनेट के पास हैं? पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ सेनेट। फर्स्ट वन इज लेजिस्लेटिव पावर्स। तो सेनेट का जी लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो लेजिस्लेटिव का काम क्या होता है? लॉ बनाने। तो लॉ मेकिंग पावर कौन कौन सी है? जो ऑर्डिनरी बिल होता है, ऑर्डिनरी बिल लोअर हाउस एंड अपर हाउस, किसी भी हाउस में प्रेजेंट किया जा सकता है, लेकिन अगर उस हाउस में पास होगा तभी उसको आगे प्रेजिडेंट के सिग्नेचर के लिए भेजा जाएगा। तो फॉर पासिंग अ बिल अप्रूवल ऑफ सेनेट इज नेसेसरी। ऐसा नहीं है अगर सेनेट इस बिल को अप्रूव नहीं करेगी तो इसका मीनिंग क्या हो गया, वो बिल पास हो गया। तो जो अमेरिका है, अमेरिका में क्या है, अमेरिका में अगर सेनेट है वो अगर इस बिल को पास करेगी तभी वो बिल आगे नेक्स्ट प्रोसीडिंग के लिए जाएगा, प्रेसिडेंट की अप्रूवल के लिए जाएगा। अगर इन दोनों में कोई डिफरेंस हो, मीनिंग जो सेनेट है एंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, अगर इन दोनों में बिल के किसी क्लॉज के लिए डिस्प्यूट हो गया, तो इसको सॉर्ट आउट करने के लिए कॉन्फ्रेंस कमेटी है, इसको सेटअप किया जाता है। जो कॉन्फ्रेंस कमेटी है, इसमें सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इन दोनों के इक्वल मेंबर्स होते हैं। अगर जी कमेटी ने डिस्प्यूट सॉल्व कर दिया तो ठीक है, अगर डिस्प्यूट सॉल्व ना कर पाई तो बिल क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। तो जे नहीं होगा, बिल पास हो गया, क्योंकि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में जे पास हो गया, बिल क्या हो गया, लैप्स हो जाएगा अगर डिस्प्यूट सॉल्व नहीं होता। तो दोबारा से नया बिल है वो फ्रेम होगा, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है इसमें पास होगा, सेनेट में पास होगा, फिर वो प्रेसिडेंट की अप्रूवल के बाद ही लॉ बनेगा। इसीलिए जो सेनेट है इसको बहुत ज्यादा पावर्स दी गई हैं। नंबर टू, फाइनेंशियल पावर्स। इसको लेजिस्लेटिव के साथ साथ फाइनेंशियल पावर्स भी दी गई हैं। जो फाइनेंशियल पावर्स है, जैसे मनी बिल हो गया, ऑल्दो जो कंपल्शन है मनी बिल किसमें प्रेजेंट किया जाता है, ओनली एंड ओनली इन लोअर हाउस, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में, लेकिन फिर भी सेनेट के पास बहुत सारी पावर्स है, जिस वजह से वो बिल में अमेंडमेंट कर सकती हैं। मनी बिल इंट्रोड्यूस तो सिर्फ लोअर हाउस में होता है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में, लेकिन जो फाइनेंशियल बिल है इसको पास करने के लिए सेनेट के पास इक्वल पावर्स है, जितनी लोअर हाउस के पास है उतनी ही अपर हाउस के पास भी है। सो सेनेट के पास इक्वल पावर्स है, एंड सेनेट है वो क्या कर सकती है, मनी बिल को अमेंड भी कर सकती है, एक्सेप्ट इट्स टाइटल। तो सेनेट इतनी पावरफुल है, एक बार टैरिफ बिल में इसने 847 अमेंडमेंट की थी, इसका मीनिंग क्या होगा, इसका सारा स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया, सिर्फ इसका टाइटल चेंज नहीं करती। तो सेनेट को बहुत सारा फाइनेंशियल पावर्स भी दी गई है। नेक्स्ट इज एग्जेक्टिव पावर्स और स्पेशल पावर्स। जो सेनेट है, सेनेट को बहुत ज्यादा एग्जीक्यूटिव पावर्स दी गई हैं। वहां पर सेपरेशन ऑफ पावर का रूल चलता है, वहां पर एग्जीक्यूटिव पावर्स किसको दी गई है, वो दी गई है प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट एग्जेक्टिव हेड है, लेकिन फिर भी जो एग्जेक्टिव पावर्स है वो बहुत ज्यादा पावर्स आज भी सेनेट के पास है। जो कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर थे उनने क्या कहा, उन्होंने कहा सेनेट क्या होगी, जो प्रेसिडेंट है प्रेसिडेंट की एडवाइजरी कमेटी होनी चाहिए, लेकिन टाइम के साथ जो जिस सेनेट है एडवाइजरी कमेटी नहीं बनी, बल्कि इसने जो पावर्स है प्रेसिडेंट को, इसको भी खुद एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया है। तो
फाउंडिंग फादर क्या चाहते थे कि जो सेनेट है एक एडवाइजरी कमेटी के रूप में प्रेसिडेंट के साथ काम करे, लेकिन जेकब पार्टनर बन गई है। जो एडवाइजरी कमेटी थी, एडवाइजरी कमेटी के साथ अब क्या बन गई है? पार्टनर इन एक्सरसाइज ऑफ मैनी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट अपनी सभी पावर्स अपनी मर्जी से यूज नहीं कर सकता, उसको सेनेट की अप्रूवल की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। जैसे जितने भी हाई अपॉइंटमेंट्स हैं वो कौन करते हैं? प्रेसिडेंट खुद करते हैं, लेकिन फिर भी उसको सेनेट की अप्रूवल की जरूरत होती है। जितनी भी सेनेट है, सेनेट जब तक हाई अपॉइंटमेंट्स ने जो प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती हैं उनको अप्रूव नहीं करेगी, तब तक वो अप्रूवल के बिना जो अपॉइंटमेंट्स है वो कैंसिल ही मानी जाती हैं। तो चीफ कंपल्शन ये है कि जो प्रेसिडेंट ने अपॉइंटमेंट्स कर दी, सेनेट उसको अप्रूव ही करेगी। सेनेट ने बहुत टाइम्स बहुत सारे अपॉइंटमेंट को डिसअप्रूव भी कर दिया है। जैसे बुश के टाइम में उन्होंने जॉन टावर को अपना डिफेंस सेक्रेटरी अपॉइंट किया था, लेकिन सेनेट ने क्या कर दिया? इस अप्रूवल को डिसअप्रूव कर दिया। तो इसका मीनिंग क्या बन गया? तो जॉन टावर थे वो डिफेंस सेक्रेटरी नहीं बन पाए। तो सेनेट की अप्रूवल बहुत जरूरी है। तो प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से किसी को अपॉइंट नहीं कर सकता। एंड ये भी कहा गया है जितने भी फॉरेन ट्रीटीज होती हैं उस पर किसका कंट्रोल होता है? प्रेसिडेंट का होता है। प्रेसिडेंट ही फॉरेन पॉलिसी का आर्किटेक्चर माना गया है, लेकिन फिर भी वो जितने भी फॉरेन ट्रीटीज करता है उसको सेनेट की अप्रूवल की जरूरत है। 2/3 मेजोरिटी अगर अप्रूव करेगी तभी वो फॉरेन ट्रीटीज को कंक्लूड करेगा। जब लीग ऑफ नेशंस बनाई जा रही थी 1920 में, यूनाइटेड स्टेट इसका मेंबर नहीं बन पाया। क्यों? क्योंकि सेनेट ने इसको अप्रूवल नहीं दी थी। लाइक दिस, सेनेट कैन अपॉइंट इन्वेस्टिगेटिंग कमेटीज रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन, जो बहुत अफेक्टिव वर्क करती हैं। इसलिए सेनेट का बहुत ज्यादा कंट्रोल है। इतना कंट्रोल हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के पास नहीं है जितना सेनेट के पास है। एंड नेक्स्ट चीज, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पावर। जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पावर है वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को भी दी गई है, इसके साथ साथ सेनेट को भी दी गई है। तो विद द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इट टेक्स पार्ट इन द प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अगर सेनेट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को अप्रूव करती है उसके बाद ही कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो सकती है। अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज्यादा रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, इसीलिए वहां पर दोनों हाउस की, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की एंड सेनेट की एब्सोल्यूट मेजोरिटी चाहिए। अगर वो एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ पास होता है उसके बाद ही अमेंडमेंट पॉसिबल है। तो अमेंडमेंट को जो कंपल्शन है अगर उसको पास करवाना है तो सेनेट की अप्रूवल भी चाहिए ही चाहिए, तभी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो सकती है। अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन में ओनली एंड ओनली 27 अमेंडमेंट्स हुई हैं इन अमेरिका। नेक्स्ट इज जुडिशियल पावर। जुडिशियरी के रिगार्डिंग भी जो सेनेट है इसको बहुत सारी पावर्स दी गई हैं। जो सेनेट है, सेनेट इन्वेस्टिगेट द चार्जेस फॉर रिमूविंग फ्रॉम ऑफिस टू प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई सिविलियन ऑफिसर्स। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो सेनेट है, सेनेट अगर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है इन पर इम्पीचमेंट मोशन पास करती है तो इनकी इन्वेस्टिगेशन कौन करता है? सेनेट करता है। अगर जे इन्वेस्टिगेशन में पास हो जाते हैं, मीनिंग इन पर जो इम्पीचमेंट का मोशन है सेनेट में पास नहीं होता तो इनको रिमूव नहीं किया जा सकता। अगर इन्वेस्टिगेट कमेटी ऑफ सेनेट जे कह दे कि इनको रिमूव करना होगा, इन्होंने गलत काम किया है, इन्होंने ट्रेजन किया है, देशद्रोह किया है, ब्राइब लिया है, तो इनको रिमूव किया जा सकता है। तो सेनेट की इन्वेस्टिगेशन बहुत कंपल्सरी है अगर हम इनको रिमूव करना चाहते हैं। तो इनके पास जो बहुत सारी जुडिशियल पावर है, जब प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, जजेस और सुप्रीम कोर्ट, हाई सिविल ऑफिसर है, इनके रिगार्डिंग प्रोसीडिंग चल रही होती है, तब उस टाइम जो मीटिंग्स है जो प्रिजाइड किसके द्वारा की जाती है? बाय द
चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इनके द्वारा ही मीटिंग्स को प्रिसाइड किया जाता है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रल पावर्स, इलेक्शन के रिगार्डिंग भी इनके पास बहुत सारी पावर्स है जिनको कहते हैं इलेक्ट्रल पावर्स। इफ नो कैंडिडेट गेट्स एन एब्सोल्यूट मेजोरिटी टू द हाउस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, तब सेनेट क्या करती है, वाइस प्रेसिडेंट को खुद ही इलेक्ट करती है विद द हेल्प ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। तो अगर वाइस प्रेसिडेंट कौन है इसका कोई डिसीजन नहीं हो पाता तो सेनेट ही इसको इलेक्ट करती है। तो हमारी हिस्ट्री में भी ये बहुत टाइम हुआ है कि सेनेट ने प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया है, वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया है। जब 1801 में थॉमस जेफरसन थे उनको भी इन्होंने एज अ वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट किया था। 1825 में एडम को भी इन्होंने प्रेसिडेंट इलेक्ट किया था। अगर किसी वजह से वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस वीकेंट है तो प्रेसिडेंट जो लिस्ट बनाता है, जो नाम रिकमेंड करता है, उस नेम को अप्रूवल कौन देता है, सेनेट देती है, तभी वो पर्सन है वाइस प्रेसिडेंट बन सकता है। इफ द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज वीकेंट तब क्या होता है, विद द लॉर्ड हाउस ये क्या करती है, अप्रूवल देती है कि वाइस प्रेसिडेंट कौन बन सकता है। तो सेनेट क्या करती है, इसके अलावा जो प्रो टेम्पोर चेयरमैन है इसको भी इलेक्ट करती है। जो वाइस प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट किसी वजह से सेनेट में नहीं आ सकता क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट क्या होता है, वाइस प्रेसिडेंट सेनेट का हेड होता है, चेयरमैन होता है। अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो वो एक अपना प्रो टेम्पोर चेयरमैन भी इलेक्ट करते हैं। एंड लास्ट वन इज अप्रूवल ओवर फॉरेन पॉलिसी, जितनी भी फॉरेन पॉलिसी है इनको अप्रूवल किसकी चाहिए, सेनेट के अप्रूवल चाहिए, तभी वो फॉरेन पॉलिसी है उस पॉलिसी को एक्सेप्ट किया जाएगा। प्रेसिडेंट है उसके पास पावर्स है, फॉरेन पॉलिसी का वो आर्किटेक्चर है, मेन कंट्रोल प्रेसिडेंट के पास है, लेकिन वो फिर भी इतनी पावरफुल नहीं है कि फॉरेन पॉलिसी किसी कंट्री में जाए अपने आप ही कंक्लूड कर ले। इसके लिए उसके लिए कंपल्शन है कि वो सेनेट की अप्रूवल लेगा, तभी जाकर वो फॉरेन पॉलिसी है वो कंक्लूड कर पाएगा। जितने फॉरेन ट्रीटीज होती हैं उनके लिए सेनेट की अप्रूवल होना बहुत जरूरी है। इसके लिए सेनेट के पास है सेनेट फॉरेन अफेयर कमेटी, जो क्या करती है, प्रेसिडेंट की पावर है टू फॉर्मुलेटिंग फॉरेन पॉलिसी, इसको रेगुलेट करती है। एंड जब डिक्लेरेशन करनी होती है वॉर की, जब पीस को कंक्लूड करना होता है वो प्रेसिडेंट करता है, लेकिन जब कांग्रेस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है एंड सेनेट है इस चीज को अप्रूव करेंगे तभी जाकर प्रेसिडेंट इसको डिक्लेयर कर सकता है। तो इसके पास फॉरेन पॉलिसी बनाने की, वॉर एंड पीस को कंक्लूड करने की बहुत सारी पावर्स हैं। तो इस तरह जो सेनेट है, सेनेट क्या है, बहुत ज्यादा पावरफुल हाउस है। सेनेट के पास हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के इक्वल पावर्स है। तो आज हमने इस सेशन में पावर्स एंड फंक्शंस किए हैं। नेक्स्ट सेशन में हम कंपैरिजन करेंगे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का एंड सेनेट का। विद दिस हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है। होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन कमेंट बॉक्स, एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।